नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बंट्स के विषय में। बंट्स जो कि भगवान ना करे लेकिन किसी को भी हो सकते हैं, और उसकी लाइफ जो कि एक दिन पहले तक अच्छी चल रही होती, दूसरे दिन से उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे बंट्स को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, जो कि आपके ग्रेड के हिसाब से आपको लाभ देंगी, यानी बंट की जो डिग्री है उसके हिसाब से आपको लाभ देंगी। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि बंट्स होते क्या हैं। बंट साथियों या शरीर का जलना उस स्थिति को कहते हैं जिस स्थिति में आप किसी हीट के एक्सपोज हों, आप सन के एक्सपोज हों, आप करंट से एक्सपोज हों, किसी चीज़ से एक्सपोज हों, जिससे कि आपके टिश्यू की लेयर जल जाए, बर्न हो जाए, उसी को बर्न कहते हैं। अब यह तमाम डिग्री का होता है। नॉर्मली यह 3 डिग्री में क्लासिफाई होता है। पहली डिग्री होती है जब बर्न एक बहुत माइनर होता है, यानी जैसे आपके धूप लगी और आपकी जो इपिडर्मिस टॉप लेयर है स्किन की, यह जल गई। यह बड़ा विषय नहीं होता, वक्त के साथ वो स्किन पील हो जाती है और नई स्किन आपकी आ जाती है। तो यह हो गया फर्स्ट डिग्री बर्न, यानी वो बर्न जिसमें कि आपकी इपिडर्मिस इफेक्ट होती हो। फिर आता है सेकेंड डिग्री बर्न। सेकेंड डिग्री बर्न वो स्थिति होती है कि जब आपकी इपिडर्मिस की नीचे वाली लेयर यानी कि डर्मिस की लेयर भी जल जाए, यह जो है सेकेंड डिग्री बर्न होता है। यह भी माइल्ड घातक होता है, एक प्रॉपर इलाज के साथ यह जल्दी ठीक हो जाता है। और एक तीसरी जो थोड़ी भयावह स्थिति होती है वह होती है थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न में साथियों जो इपिडर्मिस और डर्मिस के नीचे की फैटी टिश्यू की लेयर है वह जल जाती है और वह आपको दिक्कत करती है, क्योंकि इस लेयर में नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं। जब आपकी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं तो आपके हाथ में नमनेस, सुनपन या पैर में जहाँ भी जला होता है स्किन, वहाँ पे नमनेस आने लगती है। तो थर्ड डिग्री बर्न घातक होता है। तो थोड़ा सावधानी से काम करें, इन तीनों में से कोई भी डिग्री के बर्न को ना होने दें। इसके साथियों सिम्टम्स, सिम्टम्स साथियों जो बर्न होता है वो होता है स्किन आपकी झुलस जाती है, लेदरी हो जाती है, बर्निंग होने लगती है, डैमेज दिखने लगता है। इस तरह की तमाम सी बातें होती हैं जो सिम्टम्स आपको, सबसे बड़ा तो जलन के रूप में है। जब आपके बर्न होता है तो जलन होती है, छाले पड़ते हैं। तो यह सब सिम्टम्स हैं बर्न्स के। इसके कॉजेज साथियों, कारण आप सब वाकिफ हैं, खबरों में सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, समाचारों में सुनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी किसी के लगी उससे बर्न हो गया, कुकिंग गैस से बर्न हो गया, सन से बर्न हो गया, कहीं भी चीज़ जो हीट का सोर्स है जहाँ पर, वहाँ से जब आपके स्किन कांटेक्ट में आ रही है और स्किन बर्न हो रही है तो वही उसके कारण हो गए। हम आपको बताएंगे साथियों बर्न्स को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, वो दवाएं जो एक कोशिश होंगी आपको आपके सोचे सवालों का, आपको आपकी मन में उठी बात यानी सिम्टम का दवा के रूप में जवाब देने के प्रयास का। बताएंगे आपको 10 कारगर दवाएं, लेकिन यह आपसे निवेदन है कोई भी दवा बिना कुछ कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, क्योंकि हर दवा पर्सन टू पर्सन भिन्न हो सकती है, सिम्टम टू सिम्टम भिन्न हो सकती है। बताते हैं साथियों आपको बर्न्स को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों नंबर एक दवा जो होम्योपैथी में बर्न्स की है, जलने की है या स्किन जल जाने की है, वह है कैंथेरिस। कैंथेरिस हर उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है जब आप किसी चीज़ से जल गए हों और आपके छाले पड़ने की स्थिति हो। कैंथेरिस के तुरंत इस्तेमाल से, कैंथेरिस 200 पावर की दो दो बूंद हर 2 घंटे पे देने से आप छाले बनने से बच जाएंगे, आपकी जलन कम हो जाएगी और आपके जो टिश्यू डैमेज है वो लिमिटेड हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो अगर आपके कहीं पे भगवान ना करे आपको कहीं पे आप जले हों तो आप कैंथेरिस का इस्तेमाल करके लोकली भी उसको लगा सकते हैं कैलेंडुला के साथ, और उसका दो दो बूंद आप हर 2 घंटे पे लेकर
ब्लिस्टर फॉर्मेशन को रोक के, जलन को रोक के अपने को ठीक कर सकते हैं। एक साथियों स्थिति आती है और जो बात उठती है अक्सर कि आपके बर्न हुआ, बर्न के बाद आपके जब स्किन रिपेयर हुई तो वो पूरी रिपेयर नहीं हुई है, वहाँ पे स्कार रह गए, गड्ढे रह गए। तो अगर वह स्थिति आपकी स्किन में है कि आपके बर्न इंजरी हुई है उसके बाद आपके गड्ढे रह गए, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सैलिसिया। आप सैलिसिया 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके उस बर्न इंजरी में होने वाले जो गड्ढे नुमा लॉस ऑफ टिश्यू है, स्कैरिंग है, उसको ख़त्म कर देगी और आपके स्किन को इवन ले आएगी। एक साथियों फर्स्ट डिग्री बर्न्स की, यानी कि जहाँ पे आपके धूप या किसी चीज़ का एक्सपोजर हुआ, थोड़ी एलर्जी हुई स्किन में और आपके एक हल्की सी जलन हुई, अगर वह स्थिति है साथियों तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है अर्टिका यूरिन्स। अर्टिका यूरिन्स 30 पावर में आप 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं कि जहां आपके जब स्किन जली हो उसमें हल्की सी चुभन हो रही हो, हल्की सी स्टिंगिंग हो रही हो और सूजन आ गई हो, यानी छाला ना पड़ा हो लेकिन छाला पड़ने वाली स्थिति पैदा कर रही हो, तो अर्टिका यूरिन्स बहुत अच्छी दवा है उस केस में। वह आपके जलन को भी ख़त्म करेगी और आपको जली स्किन को ठीक भी करेगी। एक साथियों जब बर्न होता है तो उसके बाद सवाल उठता है जो टिश्यू डैमेज हुआ तो वो डिसफिगर हो गया तो उसको कैसे ठीक करा जाए, और आमतौर पर एक किलोइड का भी रूप ले लेता है वह। तो अगर आपके बर्न की स्थिति हुई हो और उसके बाद आपको किलोइड बना हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है थायोसिनामिनम। आप थायोसिनामिनम 32 बूंद दिन में 3 बार थोड़े लंबे समय तक ले लें, आप देखेंगे कि आपका जो बर्न इंजरी से कीलॉइड बना है कहीं पर भी, यानी स्कैरिंग ऑफ द अनइवन स्कैरिंग ऑफ द टिश्यू हुआ है, वह भी ठीक हो गया और आपका वह बर्न इंजरी का जाहिर सी बात है वो एक इफेक्ट है वो ख़त्म हो गया। फिर साथियों एक स्थिति आती है, वो स्थिति जब बहुत ज़्यादा जल गए हो कोई, अगर कोई बहुत ज़्यादा जल गया हो, यानी उसका जो डर्मिस के नीचे की फैटी टिश्यू की लेयर है वह भी इफेक्ट हो गई हो और वह बहुत पेनफुल हो, अगर वह स्थिति हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा कॉस्टिकम हेनिमनाई है। आप कॉस्टिकम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 4 बार दे के ऐसे मरीज को राहत दे सकते हैं। कॉस्टिकम लेने से ये होगा ये कि उस व्यक्ति का नर्व्स भी हील होने लगेंगी जो जलने से डैमेज हुई हैं, उसका घाव भी भरने लगेगा, उसका पेन भी कम हो जाएगा और ओवरऑल उसके कष्टों में बहुत कमी आ जाएगी। तो थर्ड डिग्री बर्न है अगर किसी के, यानी किसी के बड़ा गहरा घाव हो गया जलने से, तो कॉस्टिकम ड्रग ऑफ द चॉइस है। कॉस्टिकम देके आप उसको स्वास्थ्य लाभ देके एक अच्छे काम में शामिल हो सकते हैं। एक साथियों और गोल्डन रेमेडी है बर्न की, और वह रेमेडी है जो फर्स्ट एड के तौर पे काम करती है। कभी भी आपके बर्न हुआ हम आप सभी जानते हैं कैलेंडुला को, कैलेंडुला का मदर टिंचर आप फर्स्ट एड के तौर पे जहाँ भी आपके बर्न हुआ वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इसको तुरंत अप्लाई कर लिया तो आपको बर्न से आप बच जाएंगे और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। फिर साथियों एक स्थिति आती है किसी की स्किन जल गई है और उससे पस फॉर्मेशन हो रहा है, उससे पस बनने लगा, घाव हो गया, घाव से पस होने लगा, तो अगर जलने की स्थिति से होने वाले घाव में पस पड़ रहा हो तो उस पस को सुखाने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। पहली दवा है हिपर सल्फ्यूरिकम और दूसरी दवा है कैल्केरिया सल्फ्यूरिकम। हिपर सल्फ्यूरिकम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में बहुत कारगर है। अगर उसके जो पस आ रहा है वो बहुत बदबूदार है, बहुत ऑफेंसिव है, तो आप हिपर सल्फ 30 2 बूंद दिन में 3 बार देके उसके इस घाव को सुखा सकते हैं, पस को बनना रोक सकते हैं, उसके बर्न को ख़त्म कर सकते हैं। और अगर साथियों उसके जो पस आ रहा है वो येलोइश कलर का है और लंबे लंबे तारों में खींचा जा सकता है, तो उस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा कैल्केरिया सल्फ्यूरिकम है। आप कैल्केरिया सल्फ 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार देकर उसको स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं, उसको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है जैसा कि हमने कॉज में बताया था, आपके थर्ड डिग्री बर्न है, आपका फैटी टिश्यू डैमेज हुआ बर्न से और आपकी नर्व्स डैमेज हो गई, आपके सुनपन आने लगा, नमनेस आने लगी, तो अगर यह स्थिति आप में बर्न में हो तो उसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है हाइपेरिकम परफोरेटम।
आप हाइपेरिकम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं कि जो आपके बर्न हुआ हो उससे आपके डर्मिस की नर्व्स भी डैमेज हो गई हो। तो हाइपेरिकम दवा लेके आप उन नर्व्स को ठीक कर सकते हैं, उस सुनपन को ख़त्म कर सकते हैं और अपने बर्न को भी ठीक कर सकते हैं। एक साथियों वर्स्ट स्थिति आती है जब आपके बर्न्स हो गए हों और बर्न्स इतने गहरे हो गए हों कि आपके गैंग्रीन बन गया हो। गैंग्रीन साथियों वो स्थिति होती है जहाँ पे आपका टिश्यू बिल्कुल डेड हो चुका हो और वो सड़ने लगा हो। तो टिश्यू जब डेड होता है तो वह गैंग्रीन कहते हैं और यह एक थोड़ी भयावह स्थिति होती है, लेकिन होम्योपैथी में इसको भी ठीक करने की बहुत कारगर दवा है। तो अगर आपके बर्न हुआ है, गैंग्रीन बना है जिसका कि रीज़न बर्न है, जलने से गैंग्रीन बना है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। पहली दवा है आर्सेनिक एल्बम, दूसरी दवा है एंथ्रासिनम और तीसरी दवा है सिकेल कॉर्नेटम। आर्सेनिक एल्बम साथियों 30 पावर में 2-2 बूंद उस स्थिति में आप पेशेंट को दे सकते हैं कि अगर उसके जो गैंग्रीन बना है उससे पस निकल रहा हो और बदबूदार पस आ रहा हो और जलन कर रहा हो तो आर्सेनिक उसकी दवा है। आर्सेनिक के मरीज़ की तकलीफ़ें रात में 12 से 2 ज़्यादा बढ़ती हैं। आर्सेनिक के मरीज़ को थोड़ी देर पे गला सूखता है, प्यास लगती है और वह पानी पीता है और आमतौर पर रेस्टलेस होता है, बेचैन होता है। तो अगर आपके एंजाइटी है बहुत ज़्यादा मरीज में और आप उसके एक गैंग्रीन देख रहे हैं तो आर्सेनिक एल्बम उसकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। यह दवा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार देकर आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी दवा साथियों इसी श्रृंखला की एंथ्रासिनम है। एंथ्रासिनम उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है अगर जो पस निकल रहा है गैंग्रीन से उसे पीलापन है, येलोइश कलर है, तो एंथ्रासिनम बहुत अच्छी दवा है। यह दवा उस पस को भी दूर करेगी और उसके बर्न्स को भी ख़त्म करेगी। कहीं भी अगर नीला पस हो तो एंथ्रासिनम ड्रग ऑफ द चॉइस है, ब्लूइश कलर का हो। और अगर सिकेल कॉर होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है अगर वह पस आपके जो आ रहा हो वो येलो हो, जो गैंग्रीन बना हो और उससे जो पस आ रहा हो वो येलो हो, ब्लू है तो एंथ्रासिनम और येलो है तो सिकेल कॉर्नेटम यानी सिकेल कॉर। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके आप गैंग्रीन को भी सही कर सकते हैं और इस बर्न इंजरी को भी खत्म कर सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपके बर्न हो गया और आपके नर्वसनेस बहुत ज़्यादा आ गई, इतनी नर्वसनेस कि आपका उसके बाद उठने का भी बिस्तर से मन नहीं कर रहा है। तो अगर यह स्थिति हो कि आपके बर्न हो, इंजरी हो और आपके भयंकर भारी नर्वसनेस हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा स्ट्रेमोनियम है। आप स्ट्रेमोनियम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका नर्वसनेस भी ख़त्म हो गई और आपका बर्न इंजरी भी ठीक हो गई। फिर साथियों एक स्थिति आई कि जहाँ पे आपके बर्न हुआ है वहाँ पे स्किन बहुत ज़्यादा क्रैक हो रही है। तो अगर यह स्थिति आपके हो कि आपके स्किन में जहाँ बर्न हुआ हो रहा हो वहाँ स्किन क्रैक हो रही हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है पेट्रोलियम। आप पेट्रोलियम 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। इससे आपका जो स्किन का क्रैक है जो खास तौर से विंटर्स में ज़्यादा होता है वह भी ख़त्म हो जाएगा और आपकी स्किन का जो बर्न इंजरी है वह भी ख़त्म हो जाएगी। ये साथियों को दवाएं थी आपको बर्न्स में मदद करने की, बर्न्स के केस में मदद करने की, आपके तकलीफ़ों को आसान करने की। कोशिश साथियों ये करी है कि आपके मन में जो भी, अगर आपने वीडियो लॉगिन कराया, आपने बर्न्स देखा, इस वीडियो को लॉगिन करा तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाए एक कारगर रूप में और वह है उसका इलाज यानी दवा। लेकिन साथियों यह दवाएं कारगर अवश्य हैं लेकिन बिना किसी कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। अगर साथियों आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आपका अपना चैनल है सब्सक्राइब करा हो करिएगा, अगर कर लिया हो तो अपने साथियों को प्रेरित करिएगा सब्सक्राइब करने को और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके सबसे पहले आप सबसे नया वीडियो हमारा प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में ये क्लिनिक आपसे आपके लिए दुआ करता है किसी को बर्न्स की स्थिति उसके सामने ना आए। धन्यवाद।